दोस्तों भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हर देश में खेली जा रही घरेलू T20 लीग को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से सनसनी मचा दी है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप IPL को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लगभग हर देश में IPL की तर्ज पर घरेलू T20 लीग खेली जा रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की BBL हो या बांग्लादेश की BPL लीग। गांगुली का मानना है कि भविष्य में कुछ T20 लीग बंद हो जाएंगी। उनके इस बयान के बाद क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लग सकता है, वही कुछ फैन को अपनी सहमति जताते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें, विश्व क्रिकेट में घरेलू T20 लीग लगभग हर देश में अपने पैर पसार चुकी है, जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम की जगह T20 लीग को अहमियत देने लगे हैं, क्योंकि इससे पैसा और शोहरत दोनों मिलते हैं। और लगभग हर देश ने IPL की तर्ज पर T20 लीग का आयोजन शुरू कर दिया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में T20 लीग का पहला सीजन खेला गया था, वही दुबई में इंटरनेशनल T20 लीग शुरू हो चुका है। लेकिन BCCI के पूर्व अध्यक्ष का मानना है कि यह लीग ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जिसमें कुछ ही T20 लीग बचेगी। स्पोर्ट्स टास्क के एक कार्यक्रम में सौरव गांगुली ने इस मामले पर अपनी राय रखी और कहा, हम दुनिया भर में चल रही लीगों के बारे में बात करते रहते हैं। IPL बिल्कुल अलग लीग है। बिग बैश लीग भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसी तरह द 100 ने भी UK में अच्छा प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका लीग भी अच्छा कर रही है। ये सभी लीग उन देशों में हो रही है जहां क्रिकेट लोकप्रिय है। मेरा मानना है कि अगले 4-5 साल में कुछ ही लीग बचेगी, और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि वह कौन सी होगी। सौरव गांगुली ने कहा, क्रिकेट के बदलते दौर में खिलाड़ियों के खेलने के अंदाज में भी बदलाव आया है। जब से T20 डोमेस्टिक लीग आई है, इसके बाद बल्लेबाजों ने चौथे गियर में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। यही वजह है कि फैंस महंगे टिकट खरीद कर मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, जिसके लिए खिलाड़ी एक देश से दूसरे देश में लीग के साथ खेलने के लिए भी उत्साहित रहते हैं। जिस पर सौरव गांगुली ने कहा, आजकल हर खिलाड़ी नई लीग से जुड़ना चाहता है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सी लीग महत्वपूर्ण है। ऐसे में लीग क्रिकेट की जगह देश के लिए खेलना तरजीह दी जाएगी। तो दोस्तों, भारत के पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली ने जो बयान दिया है, उसमें क्या तथ्य है, कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।